हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पे मैं सूट पे कर रही हूँ तुरपाई। तो मेरा एक सूट में पता नहीं कितने दिन, हफ्ते लगेगा, कब लगेगा। ठंड इतनी है ना, टाइम ही टाइम क्यों है कि मतलब मन ही नहीं करता है सिलाई करने का। और बताइए आप लोग कैसे हैं? आजकल मेरे ब्लॉग डेली नहीं आ रहे हैं, तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना आपसे बिना बात किए हुए रहा नहीं जाता। आदत हो गई आप लोगों से बातें करने की, तो कोई ब्लॉग नहीं था मेरे पास। मैंने सोचा थोड़ा आज कोई ब्लॉग शेयर नहीं करती हूँ, थोड़ा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ यहाँ पे काम करते करते। और अभी टाइम कितना हो रहा है पीयू बेटा? टाइम कितना हो रहा है? 3:46। अच्छा, तो 4 बजे जाऊँगी मैं सब्ज़ी के लिए। तब तक थोड़ा सा इसमें मैं तुरपाई कर रही हूँ, सोचा आप लोगों से बातें कर लूँ। और बताइए कैसे हैं आप लोग? कैंची नहीं निकाल रखी इसी से मैं, तो इसमें कर रही थी तुरपाई। और ठंड से बचिए। मैंने देखो अपने को अच्छे से कवर करके रखा है, जर्सी भी पहन रखी है, शॉल भी, टोपी तो मैंने अभी निकाली है, इसको तो मैं रखे ही रखे रहती हूँ। और ध्यान रखिएगा अपना अपनों का, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और ठंडे में ना बच्चों की ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। मेरी पीयू की इतनी बार तबीयत ख़राब हो जाती है। तो थोड़ा सा बस आज कोई वीडियो नहीं है, आप लोगों को सिर्फ अपडेट देनी थी और एक बात बतानी थी आप लोगों को। मेरी वीडियो पे कई बार कमेंट आते हैं रिक्वेस्टेड वीडियो के कि मैम ऐसी वीडियो बनाओ, वैसी वीडियो बनाओ। आजकल तो थोड़ा कम आते हैं, कम इसलिए आते हैं क्योंकि मैंने किसी की रिक्वेस्ट पर वीडियो बनाई नहीं, तो इसलिए कम आते हैं, एक दो ही आते हैं। लेकिन पहले भी आते थे, बहुत आते थे, और मैं किसी को मतलब कमेंट में रिप्लाई नहीं करती थी। और ऐसे रिक्वेस्टेड वीडियो मैं नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि कुछ अच्छी सी रिक्वेस्ट करो कि ऐसी वीडियो बनाओ, वैसी वीडियो बनाओ, तो ठीक है भाई, हम सोचेंगे हाँ हमसे बनता है, बना पाएंगे, और ये अच्छी भी है, इसको बनाने में कोई बुराई नहीं। लेकिन रिक्वेस्ट ऐसे होती है मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे साड़ी वियर का है, सिंपल साड़ी में ब्लॉग बनाओ तो हम बना लेंगे, बनाई भी है मैंने 2-3 वीडियो साड़ी में, तो कोई बात नहीं है। जहाँ तक था हैंकी टक का था तो कोई बात नहीं, हैंकी टक तो करते हैं लेडीज़ साड़ी में, कहीं जाते हैं पार्टी में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन सिंपल साड़ी ब्लॉग बोलो तो कोई बात नहीं, साड़ी पहनना गलत बात नहीं है, लेकिन साड़ी किस तरह से पहनना, तो वो हमारी संस्कृति में नहीं। हम जिस तरह से पहन सकते हैं उसी तरह से बना सकते हैं आप लोगों के लिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी रिक्वेस्ट गलत थी, लेकिन ऐसे मतलब अच्छा नहीं लगता है इस तरह से। हम जैसे सिंपल साड़ी पहनते हैं वैसे ही पहनेंगे, और अगर रिक्वेस्ट आएगी तो मैं सिंपल साड़ी में वीडियो बना के दिखाऊँगी। और भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आती थी लेकिन जो मैं नहीं बना सकती थी, ऐसी वीडियो बनाने के लिए मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसीलिए मैंने सोचा मैं ब्लॉग में ही बता देती हूँ कि प्लीज़ ऐसी रिक्वेस्ट ना करें। इसीलिए मैं किसी की रिक्वेस्ट पे बनाती ही नहीं हूँ, बस सिंपल सा अपना डेली का रूटीन शेयर करती हूँ। उसमें व्यूज आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो जितने मेरे डेली वाले फ्रेंड्स हैं ना, वो देखते ही देखते हैं वीडियो, चाहे मैं उनकी वीडियो पर जाऊँ चाहे ना जाऊँ, तो वही बीच व्यूज बहुत हैं। जिस दिन थक जाऊंगी, लगेगा कि अब वीडियो बनाना नहीं है, मैं थक गई हूँ, उस दिन नहीं बनाऊंगी, वीडियो बनाना छोड़ दूंगी। तो जिन लोगों का प्यार प्रेम सपोर्ट मिल रहा है वही बहुत है, बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, मैं हर एक कमेंट अच्छे से पढ़ती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है सबके, अपने भाई बहनों के कमेंट पढ़ के कि जो लोग सपोर्ट करते हैं। और वीडियो वायरल नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन वायरल होने के लिए ऐसी उठपटांग वीडियो बनाना हमारे बस की बात करनी है। जैसे मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग कितना गिरते हैं व्यूज के लिए, बहुत किसी भी हद तक गिर जाते हैं, कैसी कैसी वीडियो बनाते हैं, तो ऐसा हमारे बस का नहीं है। तो आज थोड़ा सा अपडेट करनी थी, मन हो रहा था आप लोगों से बातें करने के लिए, तो थोड़ा मैंने कैमरा ऑन कर दिया और थोड़ा आप लोगों से बातें कर ली। तो गाइज आज की वीडियो इतनी ही थी, फिर मिलेंगे किसी एक ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।